बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सिक्स्थ लेक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चैप्टर नंबर 4, दी सेल, एफएससी पार्ट 1। आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू 6 हेडिंग्स, इट्स डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक सिस्टर्नी, इट्स टाइप्स, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर फंक्शंस एंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन, अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। चैनल्स कहते हैं रास्तों को। नेटवर्क का मतलब पूरा जाल, कि ये चैनल्स का एक जाल है एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड है, फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ हुआ है। ऑफन स्टार्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर ये कहां तक फैला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन तक। और यू कैन से दैट ऑफन कंटिन्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड इट ज्वाइंट और कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान तक ये पूरा स्प्रेड हुआ हुआ है। इसको बाद में डायग्रामेटिकली भी मैं प्रेजेंट करूँगा। द चैनल्स विच आर नोन एज सिस्टर्नी सेपरेट्स द मटीरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, कि जो मटेरियल इसके अंदर होता है उसे ये साइटोप्लाज्म से क्या कर लेती है, सेपरेट कर लेती है। लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस इज सिस्टर्नी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। And this is the whole cell. So here it is nuclear membrane. And this one is plasma membrane. As I told you earlier, endoplasmic reticulum extends from nuclear membrane to प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट द सेल ये फैली होती है यूनिफॉर्मली। दीज चैनल्स इज नोन एज सिस्टर्नी। ये जो चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। Types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. हमने जो endoplasmic reticulum को divide किया है दो types के अंदर, we divided endoplasmic reticulum into two types on the basis of presence or absence of ribosomes. Either ribosomes are present or not. कि ribosomes वहाँ पे हैं या नहीं। अब ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, जो कि शाइनी सरफेस देती है, स्मूथ सरफेस देती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज आई सेड अर्लियर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डजंट कंटेन एनी राइबोसोम्स। इसकी सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शन की तरफ चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस।
काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस है जिसकी ब्रेक डाउन के अंदर ये रोल प्ले करती है, जैसे कि मेनली लिपिड्स। लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन है वो इन्हीं चैनल्स के अंदर, इन्हीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। सेकेंड फंक्शन इज इट आल्सो डिटॉक्सीफाई द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डिटॉक्सीफाई द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे हजार सब्सटेंसेस। एंड थर्ड फंक्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन सम सेल्स लाइक नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। इट आल्सो प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये काफ़ी मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है विद इन द सेल। सो दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेटाबॉलिज्म ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर हैजार्डस फॉर द सेल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विद इन द सेल। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेनली फंक्शन ही क्या होता है? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रोटीन सिंथेसिस। ओवरऑल फंक्शन इज दिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ प्ले रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, स्ट्रेंथ। सो हियर लेट्स सपोज दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे, इतने सेक्शन को हम क्या कह देंगे? आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफन कंटिन्यूज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, इतनी में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सिस्टर्नी क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चैनल्स आर नोन एज सिस्टर्नी। टाइप्स के हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उन दोनों के हमने फंक्शंस देख लिए, और ओवरऑल आर फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।